नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे टेक्निक रास्ता। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सोनी कंपनी का एक 128 GB का मेमोरी कार्ड। ये जो मेमोरी कार्ड है ये आपका UHS-II मेमोरी कार्ड है, मतलब अल्ट्रा हाई स्पीड मेमोरी कार्ड है जो 2 वर्जन है। ये जो मेमोरी कार्ड है ये आपका सोनी कंपनी का ई सीरीज वाला मेमोरी कार्ड है। सोनी कंपनी का काफ़ी सारा मेमोरी कार्ड है, एक है आपका ई सीरीज का, दूसरा है आपका एम सीरीज का, तीसरा है आपका टफ सीरीज का। तो काफ़ी सारा मेमोरी कार्ड सोनी कंपनी की तरफ से निकाला गया है। ये जो ई सीरीज़ का कार्ड है इसमें मैं आपको 2 वर्जन दिखाने वाला हूँ, एक है आपका 64 GB और दूसरा है आपका 128 GB। दोनों ही ई सीरीज़ का है, दोनों ही सेम क्वालिटी का है, लेकिन दोनों का स्पीड में काफ़ी अंतर है। ये जो 64 GB का कार्ड है, जनरली ये कार्ड जो है ये कैमरा के साथ फ्री दिया जाता है। जैसे ये जो मैंने सोनी का अल्फा 6400 कैमरा लिया है, इसका साथ भी यही कार्ड फ्री में आता है। तो ये कार्ड का जो स्पीड है, इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रीड स्पीड जो है वो 270 Mbps है और राइट स्पीड जो है वो 70 Mbps है। लेकिन अगर आप इसी कार्ड को अगर आप 128 GB में देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि आप इस कार्ड में रीड स्पीड जो है वो 270 Mbps ही दिया हुआ है, लेकिन राइट स्पीड जो है यहाँ पे 120 Mbps दिया गया है और यहाँ पे देखिए राइट स्पीड 70 Mbps दिया गया है। तो सोनी कंपनी ने एक ही सीरीज़ का 2 कार्ड बनाया है, दोनों कार्ड का साथ भेदभाव क्यों किया मुझे मालूम नहीं है। तो 64 GB का जो कार्ड है ये जनरली कैमरा के साथ फ्री दिया जाता है, तो इसमें 4K वीडियो लेने में आपको कोई इशू नहीं आ रहा है। और इस कार्ड से अगर आप 4K वीडियो लेते हैं तो और भी फास्ट हो जाएगा। एक फॉर्मेट है जो सोनी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है आपका XAVC-S। ये जो XAVC-S फॉर्मेट है ये सोनी कंपनी ने 2012 में इंट्रोड्यूस किया था। इस फॉर्मेट से जो वीडियो है वो आप 4K में भी, आप 60 फ्रेम में भी ले सकते हैं। ये जो फॉर्मेट है ये सोनी ने अपने पास लाइसेंस रखा हुआ है, इस फॉर्मेट का रिलेटेड कोई भी सामान सोनी बना सकता है। तो ये जो सोनी का मिररलेस कैमरा है इसमें भी ये सपोर्ट करता है XAVC-S। ये जो XAVC फॉर्मेट है इसमें आप HD वीडियो तो ले ही सकते हैं 1920x1080 में, प्लस इसमें आप 4K वीडियो भी ले सकते हैं। जैसे आप 3840x2160 में आप 4K वीडियो ले सकते हैं, प्लस आप इसमें 4096x2160 पिक्सल में भी आप 4K वीडियो ले सकते हैं, वो भी आप 60 फ्रेम पर सेकंड में। तो ऐसा दो ही फॉर्मेट अभी अवेलेबल है जिसमें आप 60 फ्रेम पर सेकंड में आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। एक है आपका AVCHD और दूसरा है आपका सोनी का XAVC। ये दोनों जो फॉर्मेट है, ये दोनों फॉर्मेट में आप कलर डीप जो है वो आप काफ़ी हाई बिट में कर सकते हैं। जैसे आप 8-bit, 10-bit और 12-bit कलर डीप में भी इससे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और 4K और फुल HD जो है वो तो आप कर ही सकते हैं इसमें। तो इस कार्ड में आपको 5 साल का वारंटी मिलता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ईयर्स वारंटी, इसमें भी आपका लिखा हुआ है 5 ईयर्स वारंटी। तो चलिए इस कार्ड को अनबॉक्स करके देखते हैं और इसको मैं इंस्टॉल करके भी दिखाता हूँ। इसको मैं खोलूँगा नहीं क्योंकि ये कार्ड ऑलरेडी मेरा कैमरे में लगा हुआ है यहाँ पे। ये कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है मेरे कैमरे में, तो इसको मैं पकड़ने के लिए, तो कैमरे से इसको निकालने के लिए मैं ये दोनों स्टिकर दोनों तरफ लगा के रखा हूँ ताकि खींच के मैं निकाल सकूँ। तो चलिए इस कार्ड को खोल देते हैं। ये देखिए कार्ड मैंने निकाल दिया हूँ और पीछे का तरफ देखिए 2 रॉ दिया गया है, एक ऊपर का तरफ रॉ है, एक नीचे का तरफ रॉ है। तो ये ऑलरेडी अल्ट्रा हाई स्पीड 2 वाला जो कार्ड है उसी में आपको ये मिलेंगे। ये आपका UHS मतलब अल्ट्रा हाई स्पीड मेमोरी कार्ड में ये दोनों तरफ आपका रॉ मिलता है, नहीं तो UHS-I में ये सिर्फ सिंगल रॉ मिलता है ऊपर में। तो दोनों कार्ड बिल्कुल बराबर परफॉर्म करता है, लेकिन इसका जो राइट स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले मैं ओरिजिनल जो कार्ड है 64 GB का वही कार्ड लगा के मैं आपको 4K वीडियो शूट करके दिखाता हूँ। कैमरा के सेटिंग में चला जाता हूँ, सेटिंग में जाके कैमरा का सेकंड सेटिंग में आपको
वन नंबर पेज में आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है फाइल फॉर्मेट, यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। फाइल फॉर्मेट देखिए काफ़ी सारा दिया गया है, यहाँ पे ABCHD, अभी मैंने बताया था कि 4K अगर आप लेते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, और दूसरा जो है ये एक अच्छा ऑप्शन है। ये सोनी के तरफ से है जो आपका काफ़ी सारे फॉर्मेट सपोर्ट करता है, और ये भी आपका काफ़ी सारा फॉर्मेट सपोर्ट करता है। तो ये सोनी के तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें भी आपका 60 बीट पर सेकेंड में आप 4K वीडियो ले सकते हैं, और इसमें भी आप 60 बीट पर सेकेंड में 4K वीडियो ले सकते हैं। तो इसमें आप, तो मैं XAVC S4K में चूज़ कर लेता हूँ, और रिकॉर्डिंग सेटिंग जो है उसमें जाके मैं इसमें जो हाईएस्ट ऑप्शन है वही उसी को चूज़ कर लेता हूँ। 25P 100M को मैं चूज़ कर लिया हूँ, लेकिन आप अगर स्लो मोशन वीडियो लेना चाहते हैं तो आप इसको कम कर दीजिएगा, तब आपका स्लो मोशन जो है वो अच्छे से वर्क करेगा। स्लो मोशन में इसको आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप स्लो मोशन वीडियो लेते हैं तो इस स्लो मोशन का सेटिंग P यहाँ पे दिया हुआ है, SNQ का, इसमें भी आप कौन सा सेटिंग रखना चाहते हैं वो भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो स्लो मोशन हम लोग नहीं उठा रहे हैं, तो हम लोग चलते हैं, सेटिंग मैंने कर दिया है। अभी देखिए इसको मैं अभी रिकॉर्ड में देता हूँ, 4K में रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलिए कोई इशू आता नहीं है इसमें, तो चलिए आपको मैं अभी फोटोग्राफी करके दिखाता हूँ। मैं इसका मोड चेंज कर लेता हूँ, एपर्चर प्रायोरिटी में दे देता हूँ, ब्लास्ट मोड दे दूँगा मैं। अगर मैं इसको देखना चाहूँ, अभी देखिए आप देख सकते हैं इसमें, तो राइट हो चुका है, ऐसा कोई इशू आता नहीं है। हाँ, कभी कभार अगर आप इस कैमरे से अगर फ़ोटो खींच रहे हैं और हाई सेटिंग्स में रखा है, और उसका बाद आप अगर कैमरा का जो फुटेज है वो देखना चाहते हैं, तो कभी कभार देखेंगे कि फुटेज राइट टू मेमोरी कार्ड बोल के ऐसे दिखाता है। तो अगर आप ऐसे चेंज करना चाहते हैं तो आपको सेटिंग्स वन में जाना पड़ेगा, फ़ोटोग्राफी के लिए जो भी चेंजेस है वहाँ पे जाके आपको पेज या से आप फाइल फॉर्मेट जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या पे आप रॉ एंड JPG दे सकते हैं। उसके बाद आप एक्स्ट्रा फाइन दिया है, चलो ठीक है, यहाँ पे अभी देखते हैं थोड़ा सा बैक करके, फ्लास्क को ऑफ कर देता हूँ तो और जल्दी हो जाएगा। अगर मैं अभी देखता हूँ, देखिए यहाँ पे अभी फ़ोटो जो ऑलरेडी राइट हो चुका है मेमोरी कार्ड में, तो ज़्यादा इशू आता नहीं है। इशू कब आता है, जब आप सोनी के कैमरा में दूसरे थर्ड पार्टी लेंस लगाएंगे किसी एडेप्टर के मदद से, तब इसमें थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि कभी कभार सपोर्ट नहीं करता है लेंस या लेंस के जो वर्शन है उसके लिए। तो मैंने एक विल्टेक्स का एडेप्टर मंगवाया था, जिसका रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। इसको टेस्ट करने के लिए मैंने इस सोनी का साथ मैंने लगाया था, और साथ में मैंने कैनन का जो लेंस है उसको लगा के इसमें टेस्ट किया था। तब मैंने थोड़ा सा इशू मैंने देखा था कि अगर आप फ़ोटो खींचते हैं तो कुछ कुछ कंडीशन है, जो विल्टेक्स का जो एडेप्टर है उसका साथ कौन सा लेंस आप लगा सकते हैं। अगर नॉन सपोर्टेड लेंस लगाएंगे तो उसमें अगर आप राइट करेंगे थोड़ा सा इशू आता ही है। अगर आप क्लिक करते हैं फोटो, तुरंत अगर आप फोटो को देखना चाहते हैं तब देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है राइट टू मेमोरी कार्ड। तो ये कुछ ही सेकंड का डिफरेंस है, ऐसा इशू मुझे मेमोरी कार्ड में देखने को मिला है। तो इसीलिए मैंने ये जो मेमोरी कार्ड है ये मैंने मंगवाया है, और इसका जो स्पीड है राइटिंग स्पीड वो काफ़ी अच्छा है, 120 Mbps इसका राइटिंग स्पीड है। चलिए इसको लगाता हूँ मैं अभी,
तो चलिए इसका मैं फ़ोटो क्लिक करके देखता हूँ। अभी 128 GB मेमोरी कार्ड लगा के रखा हूँ और सेटिंग मैंने वही दे के रखा हूँ जो रॉ भी है आपका JPEG भी है। इसमें मुझे कुछ थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, हाँ इसमें थोड़ा सा तो फास्ट है। अगर अब मैं अभी वीडियो लेता हूँ देखिए कोई इशू आता नहीं है, एकदम स्मूथ है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा स्पीड वाला मेमोरी कार्ड चाहिए तो आप सोनी का जो एम सीरीज़ है उसके तरफ जा सकते हैं। अगर आप एम सीरीज़ से भी खुश नहीं है, उससे भी ज़्यादा चाहिए आपको, सोनी का जो टफ SD कार्ड है उसका साथ आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कार्ड है इसका डाटा मैं ट्रांसफ़र करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ट्रांसफ़र में ऑब्वियसली ये फास्ट है, क्योंकि मैंने इसको ये जो कार्ड है इसको मैंने चेक करके देखा था, तो इससे इसका स्पीड ज़्यादा ही है, तो ट्रांसफ़र स्पीड में ये और भी फास्ट है इसका साथ। इस कार्ड से डेटा अगर आपको लैपटॉप या तो डेस्कटॉप में ट्रांसफ़र करना है, अगर आपको और भी फास्ट डाटा ट्रांसफरिंग फैसिलिटी चाहिए तो आपको इसको सपोर्ट करने वाला मेमोरी कार्ड रीडर भी चाहिए जो अल्ट्रा हाई स्पीड 2 मेमोरी कार्ड को सपोर्ट कर सके। ऐसा कार्ड रीडर भी आपको लैपटॉप का साथ लगाना पड़ेगा। ये आपका UHS-I वाला कार्ड रीडर है तो ये भी इसमें सपोर्ट करता है। इससे लेकिन स्पीड जो मिलेगा वो UHS-I का हाई स्पीड ही मिलेंगे। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।